यूनिवर्स, स्पेस, टाइम और उसके कंटेंट जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी, मैटर और डार्क एनर्जी हैं। यूनिवर्स में मेनली तीन चीज़ें हैं, ऑर्डिनरी मैटर और डार्क एनर्जी। यूनिवर्स के सबसे पहले मॉडल पुराने ग्रीक और भारतीय फिलोसोफर ने विकसित किए थे, जिसमें वो सब पृथ्वी को सेंटर में रखते थे। सदियों बाद सही ऑब्जर्वेशन करने पर निकोलस ने एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल डेवलप किया, जिसमें सन सेंटर में था। धीरे धीरे बहुत ऑब्जर्वेशन और इम्प्रूवमेंट के बाद ये पता चला कि सूर्य अरबों तारों की तरह एक तारा है जो आकाशगंगा में है, और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं। 20वीं सदी की खोज बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक यह विस्तार कर रहा। ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में एक फेमस थ्योरी है, जिसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। इसके अनुसार स्पेस और टाइम की करीब 14 अरब साल पहले उत्पत्ति हुई थी। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स शुरुआत में बहुत ही घना और गर्म था, बाद में वह ठंडा हुआ और विस्तारित हुआ। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, बहुत तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत ही कम समय में बन गए। यही पार्टिकल्स मिलकर एयर एटम्स बने। शुरुआती समय में यूनिवर्स की डेंसिटी में थोड़े बदलाव होने के कारण जो डार्क मैटर धीरे धीरे बन रहे थे वो एकत्रित होने लगे, और इसके कारण ऑर्डिनरी मैटर जो उनसे अट्रैक्ट हो गए, और गैलेक्सीज, स्टार्स और गैस क्लाउड्स। यूनिवर्स का अल्टीमेट फेट अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर यूनिवर्स सफिशिएंट डेंस था तो अंत में कोलैप्स कर जाएगा और फिर से एक नया यूनिवर्स बनेगा, और अगर यूनिवर्स उतना ही डेंस नहीं था जितना होना चाहिए था, हमेशा के लिए एक्सपेंड करता रहेगा, अंत में हीट डेथ के कगार पर पहुंच जाएगा। तो आपको क्या लगता है, यूनिवर्स एक्सपेंड करते रहेगा या उसका हीट डेथ हो जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।